यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की मूवमेंट स्टक हो जाती है। कभी भी तुम लोग मतलब मूवमेंट स्टक से मैंने मतलब जॉयस्टिक स्टक की बात नहीं कर रहा, मूवमेंट स्टक यानी आप लेफ्ट राइट प्रॉपरली नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ जगहों पे अटक जाते हो, या फिर कवर में आने के टाइम पे आप किसी वॉल पे अटक जाते हो और कहीं ना कहीं से गोली पड़ जाती है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और बहुत सारे लोग अपनी मूवमेंट को और भी ज़्यादा फास्ट भी करना चाहते हैं, बट उन लोगों को नए अपडेट के बारे में शायद पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा, नए अपडेट में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आया है। यहाँ पर मैंने एक अपडेट में मतलब एक वीडियो में बता भी दिया उस अपडेट के बारे में, बट इसलिए कई लोगों को उस चीज़ के बारे में पता नहीं है क्योंकि उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, जस्ट उस अपडेट के टाइटल को पढ़ के। बट अपडेट में मैंने इतना कुछ बताया ना, अगर आप चाहो देखना तो मैं आपको लिंक मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, आप जाकर देख सकते हो बाद में कि उस अपडेट में क्या क्या है। बट स्टिल मैं आपको फिलहाल मूवमेंट के अपडेट के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको पता तो चले एटलीस्ट कि भाई BGMI में चल क्या रहा है, लोग इतना फास्ट मूवमेंट कर कैसे रहे हैं। तो वो सब जानने के लिए चलो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको एक सेकंड टैब बटन मिलता है, ठीक है, इसका नाम है एडवांस फीचर्स। तो यहाँ पे क्लिक करो, नीचे आपको एक स्प्रिंट सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द डिस्टेंस द लेफ्ट जॉयस्टिक नीड टू बी मूव्ड टू चेंज फ्रॉम स्टैटिक टू स्प्रिंट। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टैटिक मूवमेंट किसे बोलते हैं, सॉरी स्प्रिंट मूवमेंट किसे बोलते हैं। स्टैटिक मूवमेंट होती है बॉट मूवमेंट, यानी अगर आप स्प्रिंट पे नहीं चल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इसे जीरो कर देता हूँ परसेंटेज को, ठीक है, यहाँ पे सेंसिटिविटी को जीरो करने के बाद ये होती है बॉट मूवमेंट, इसको बोलते हैं स्टैटिक मूवमेंट। अगर आप ये करते हो, जो कि बहुत बार हमें करना भी पड़ता है, बट मेरे हिसाब से तो यार अगर फास्ट गेम प्ले चाहिए ना तो ये मूवमेंट तो हम में से कोई भी नहीं करता होगा, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि मतलब रियल प्लेयर्स इस मूवमेंट को करते हैं। मैंने अभी तक बॉट को ही देखा है और बॉट स्प्रिंट मूवमेंट भी करता है। स्प्रिंट मूवमेंट किसे बोलते हैं मैं फिलहाल यहाँ पे आपको लगभग 30 पे करके बताता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे जॉयस्टिक को देखो, मुझे जॉयस्टिक बहुत ज़्यादा ऊपर करना पड़ रहा है तब जाके मैं स्टैटिक से स्प्रिंट मूवमेंट कर पा रहा हूँ। तो आई होप आपको स्टैटिक और स्प्रिंट मूवमेंट का फर्क तो पता चल गया होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा जॉयस्टिक को मूव करना पड़ रहा है, उसके बाद मैं स्प्रिंट मूवमेंट कर पा रहा हूँ। तो नॉर्मली अगर इस अपडेट में आप देखो तो आप सभी को ये मिलता है 50% पे, आपकी जो सेंसी है स्प्रिंट सेंसिटिविटी वो है 50% पे, तो आपकी जो मूवमेंट है वो नॉर्मल है। तो इस अपडेट के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हम इससे और भी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही डिसेंट मूवमेंट है जो कि हम लोग करते हैं स्टार्टिंग से, बट इसके लिए फास्ट नहीं है क्योंकि वहां पर 100 सेंसिटिविटी का बटन आपको मिलता है, तो आप अभी भी 50 पे क्यों रहना चाहते हो। तो चलो मैं आपको फिलहाल 100 पर लेके चलता हूँ। और अब मेरे आप जॉयस्टिक को देखो, मैं जॉयस्टिक को पूरे जो सर्किल है उससे बाहर भी नहीं लेकर जाऊँगा, उससे पहले ही मेरी स्प्रिंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा आपका स्प्रिंट पे ऑटोमेटिकली भागने लग जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी और आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो, और जिसका फ़ायदा आपको पता ही है कहाँ कहाँ पर उठाना है, ठीक है, इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं इसे 50 पे कर लेता हूँ तो मुझे जॉयस्टिक को सर्किल से बहुत ज़्यादा बाहर लेकर जाना पड़ता है, की वजह से मैं शायद कभी कभी लेट हो जाता हूं, क्योंकि अब ये मुझे फीचर के बारे में पता चल चुका है और आपको भी पता चल चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको एक बार इसे 100 पे सेट करके थोड़ा सा ट्रेनिंग में जाकर देख लेना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप स्प्रिंट को अपने जॉयस्टिक के पास में रखते हो कंट्रोल्स में, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली स्प्रिंट हो जाएगा और बार बार आपको जॉयस्टिक को टच करने की जरूरत पड़ेगी इसे रोकने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 100 पे कर दो और स्प्रिंट वाले बटन को थोड़ा सा ऊपर कर दो, जिससे क्या होगा कि बार बार ये स्प्रिंट पे लॉक नहीं होगा और आपकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल बता ही देता हूँ बोलकर, क्योंकि अभी मेरे पास मतलब मूवमेंट का तो कोई खास एग्जांपल है नहीं, क्योंकि मूवमेंट के बारे में हम लोग कुछ कंपैरिजन कर नहीं सकते। तो मैं आपको बोलकर बता देता हूँ कि ये यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप क्राउच करके रखते हो, बैठे हुए होते हो कहीं पर भी, तो एकदम से उठ के मारना या फिर एकदम से अपनी मूवमेंट से अपनी पोजीशन चेंज करना, वो सारी जगहों पर स्प्रिंट सेंसिटिविटी को हाई रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर मैं क्राउच कर रखा हूँ, लेफ्ट में बंदा आता है, तो एकदम से खड़े होकर पूरा स्प्रिंट मूव करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्टैटिक मूवमेंट तो कर नहीं सकते बॉट मूवमेंट, यहाँ पर आपको एकदम से खड़े होकर इसे मारना है। तो भाई अच्छी मूवमेंट और अच्छी स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे होगा, स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 100 पे करके। वैसे तो बहुत सारे लोग भाई अभी तक 50% पे यूज़ कर रहे थे, शायद मेरी वीडियो देखने के बाद वो लोग 100 पे इसे ट्राई ज़रूर करना चाहेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग तो यार प्लीज़ आप इसे 100 पे ट्राई करो। और ये थी एक क्विक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि नए अपडेट में क्या चल रहा है। और अगर आपको अपडेट की फुल वीडियो देखनी है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको जिगल करना सीखना है, अच्छे से हिप फायर करना सीखना है, तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को लाइक करे बिना कहीं मत जाना।